Welcome to the new video, student. In this video we are going to continue our previous topic, that is respiration. In the process of respiration, I have told you that first step is glycolysis. Glycolysis, we have seen that conversion of glucose into pyruvic acid, aur uske pure steps jo hai wo 10 steps maine tum logo ko diagrammatically bata diya tha, jo flow chart dekha tha wo, hai na. Glucose is converting into pyruvic acid. अब वो पायरुविक एसिड का होता क्या है, व्हाट विल हैपन टू दैट पायरुविक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. सी स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री चांसेस. वो पायरुविक एसिड के पास तीन ऑप्शन है, तीन रास्ते उसके पास. एक तो उसको ऑक्सीजन मिल गया तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, और एरोबिक फर्मेंटेशन, और वी कैन से दैट एरोबिक फर्मेंटेशन करेगा वो, या एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा उसको. दूसरा, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एनएरोबिक फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पास से गुजरेगा. अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, या मिलेगी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगी, ठीक है. तो देखते हैं हम क्या क्या होता है. एक वो केस है जहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, एक वो केस है जहाँ पर उसको ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रहा है, और एक वो केस है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. इसको पायरुविक एसिड को, तो तीनों भी देखते हैं हम. सबसे पहला केस, हेयर वी हैव टू सी के यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कम मात्रा में उसको पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड, वी कैन से पायरुविक एसिड, ठीक है, ये पायरुविक एसिड है. इसको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, बट लेस अमाउंट, ठीक है, ओ टू क्या है, लेस है. तो इफ इट गेट लेस ओ टू, देन दिस इज कन्वर्टेड इन टू लैक्टिक एसिड. वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज लैक्टिक एसिड. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट ऑकर इन द मसल्स, ठीक है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर. ये हमारे जो मसल्स है, मसल्स के अंदर ये टाइप का जो है प्रोसेस होता है. सेकंड थिंग इज दैट कि अगर उसको O2 कंप्लीटली एब्सेंट है, O2 एब्सेंट, देन व्हाट विल हैपन टू दिस पायरुविक एसिड. दिस पायरुविक एसिड विल अंडरगो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. यहाँ पे हेयर एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ऊपर का जो एग्जांपल है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नीचे का एग्जांपल है अल्कोहल फर्मेंटेशन. व्हाई? बिकॉज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन वेयर O2 is completely absent. This type of reaction occur in some bacteria as well as in yeast. जो yeast होता है Saccharomyces cerevisiae. तो this technique is applied in the alcohol industry for the production of alcohol at large scale. तो ये दो type के fermentation हो गए. यहाँ पे कम मात्रा में oxygen है और यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. तो ये इनको हम respectively lactic acid और अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना. अब हमको देखना है इसको अगर ऑक्सीजन मिलती है सफिशियंट मात्रा में तो व्हाट विल हैपन. इट विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. देखो, रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों के लिए कॉमन है, ये बात याद रखना, ठीक है, दोनों के लिए कंपलसरी है वो. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, दिस पायरुविक एसिड which is a three carbon compound, it is first converted into acetyl coenzyme A. ये काय में convert हो जाता है, ये acetyl coenzyme A में convert होता है. अब it is a two carbon compound, acetyl coenzyme A, ठीक है. अब क्या होगा इसके अंदर, ये pyruvic acid acetyl coenzyme A में convert हो रहा है with the help of enzyme pyruvate dehydrogenase complex. It require NAD which is ultimately converted into NADH plus H plus ion, okay, and it also require
रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम ए. ठीक है, पाइरूविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए, इट फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए. क्लियर. अब देखो ये एसिटिल कोएंजाइम में जो तैयार होता है तो साइमल्टेनियसली वन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. क्लियर. अब उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है कि ये पाइरूविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो ये एक इंटरमीडिएट रिएक्शन हो गई. इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना. टेंथ क्लास में या तुमने पढ़ा होगा या फिर लास्ट की जो ट्वेल्थ की बुक अगर देखोगे तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज द लिंक रिएक्शन. ये दो नंबर का क्वेश्चन आया था. तो लिंक रिएक्शन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ पाइरूविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए. और इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ कनेक्शन और लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल. ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच का लिंक है, कनेक्शन है, इसलिए इसको हम लिंकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं. अब वो लिंकिंग रिएक्शन में हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम में तैयार हुआ, इट विल इंटर इनटू द क्रेब साइकिल. ये क्रेब साइकिल के अंदर इंटर होता है. ठीक है, ये क्रेब साइकिल की जो पाथवे है सर हैंस क्रेब ने सबसे पहले डिस्कवर किया है और इसकी जो अलग अलग पाथवे है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए वो साइकिल को हम क्रेब साइकिल बोलते हैं. ये क्रेब साइकिल में क्या होता है वी हैव टू सी. सी स्टूडेंट्स, हियर हमको स्टार्ट करना है किससे, एसिटिल कोएंजाइम ए से. ये वही एसिटिल कोएंजाइम है जो कि यहाँ पे तैयार हुआ है ना. तो यही एसिटिल कोएंजाइम है यहाँ पे एंट्री मार रहा है, कहाँ पे, क्रेब साइकिल के अंदर. ठीक है, कैसे एंट्री मारता है देखेंगे. एसिटिल कोएंजाइम है इट कंबाइन विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होता है और ये दोनों मिलकर दे फॉर्म अ कंपाउंड विच इज नोन एज अ सिट्रेट. इसको क्या बोलते हैं, सिट्रेट. ठीक है, अब ये सिट्रेट इट इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है ना, TCA साइकिल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तीन, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल रहे हैं इसको हम. ये TCA ये इसकी सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड है क्या है, सिट्रिक एसिड है. ये सिट्रेट इट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट. ये दोनों दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर. सो सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेट. इसका नाम क्या है, ये एकोनिटेज एंजाइम है, ब्रैकेट में लिया है मैंने इसको, याद रखना. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड. क्लियर, दिस सिस एकोनिटेट इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट ये अनस्टेबल फॉर्म है विच इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट. ये भी क्या है, इसका आइसोमर ही है. हियर वाटर मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड एंड एंजाइम इज सेम एकोनिटेज. यानी ये दोनों रिएक्शन यहाँ से लेके ये वाली रिएक्शन, बोथ द रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय द सेम एंजाइम. ये सिर्फ इंटरमीडिएट फॉर्म है सिस एकोनिटेट, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इमीडिएटली ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. आफ्टर आइसोसिट्रेट इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो सक्सिनेट और ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ये एंजाइम को याद रखना. देन ऑक्सैलो सक्सिनेट इट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट बाय डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. वाई डिकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम देयर. ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और एंजाइम रिक्वायर्ड इज द सेम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. यहाँ पे भी मुझे है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड. सी ऑक्सैलो सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट. दिस अल्फा कीटो ग्लूटरेट इट अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉर्म सक्सिनिल कोएंजाइम ए. ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए तैयार करता है. सक्सिनिल कोएंजाइम ए तैयार करने के लिए इट रिक्वायर वन एंजाइम विच इज नोन एज कीटो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, इसका पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज. एंड हियर आल्सो वन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, सो वी कैन से इट इज आल्सो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक, दिस सक्सिनिल कोएंजाइम ए देन कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, जब ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए
सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है, एट दैट टाइम वन जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी। यहाँ पे डायरेक्ट जीटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है एंड सच टाइप ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये रिएक्शन है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मीन्स फॉस्फेट तैयार हुआ। जीटीपी क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जैसे एटीपी है तो एटीपी के ही सेम जीटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ही भाई जीटीपी, वो भी इनर्जी रिच कंपाउंड है, ये भी इनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जीटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली FADH2 फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH2 ये आल्सो प्रोड्यूस, ठीक है, ये FADH2 प्रोड्यूस। दूसरी चीज, जब यहाँ से सक्सिनिल को एंजाइम में तैयार होता है तो NADH2 तैयार होगा और आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तब भी NADH2 तैयार होगा। यानी दो रिएक्शन ऐसी है, एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, जहाँ पे NADH2 अभी तक तैयार हुआ, ठीक है, दो बार, ठीक, और एक बार FADH2 तैयार हुआ। देन सक्सिनेट इट इज कन्वर्टेड इंटू फ्यूमरेट, सक्सिनिक एसिड भी बोल सकते हो इसको, सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू फ्यूमरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट। इसका पूरा नाम अगर लिखेंगे तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक। दिस फ्यूमरेट इज देन कन्वर्टेड इंटू मैलेट बाय एडिशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, मैलेट और मैलिक एसिड इट इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। नाउ दिस OAA इज अगेन रेडी टू कंबाइन विथ एनी एसिटिल कोएंजाइम A, जो एसिटिल कोएंजाइम में नया आएगा उसके साथ कंबाइन होने के लिए ये रेडी है और ये साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। मैलेट ऑक्सैलिक एसिड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इन दैट टाइम अगेन थर्ड टाइम NADH2 इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो तीन रिएक्शन ऐसी है, एक दो तीन, जहाँ पे NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, और एक रिएक्शन ऐसी है जहाँ पे FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है। इनको अलग से क्यों मेंशन किया है, हमको ये देखना है कि यही चीज़ हमको आगे जाके एनर्जी देने वाली है। इनका ही ऑक्सीडेशन होगा और जब इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा देन वी विल गेट ATP, ठीक है, जो ETC है हमारा नेक्स्ट साइकिल, उसमें इसी का काम है, क्लियर हुई बात, यही हमको एनर्जी देने वाले है, क्लियर। तो पहले रिएक्शन में हमने क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरी स्टेप हम देख रहे हैं अभी, क्रेब साइकिल, जिसमें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो रहे हैं, और इनसे एनर्जी कैसी लेना है ये हमको तीसरे पाथवे में देखने को मिलेगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।